56 के अंदर फरवरी 1976 में 1956 का कानून आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, उसके बाद 62 का कानून आया, उसके बाद 1973 के अंदर तो आज ये कानून जो आईन राइट है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने विद द एडिशनल असिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ दैट टाइम यूनैनिमसली पास किया। यूनैनिमसली इसलिए हुआ कि ऑपोजिशन के भी नुमाइंदगी हुई और गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी हुई। अब बात आ जाती है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो डिसेंडर है वो भी ये बात देख रही है, क्या पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी है कि जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी सिक्योर्ड। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है, ये जुडिशियल पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इलम नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। जो सारी बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, क्योंकि लॉ मिनिस्टर साहब ने अभी बात की कि बार की भी डिमांड थी कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को होना चाहिए। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी है जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती है, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। और अब जो ईस्टर्न यूरोप है उनकी जो डेमोक्रेसी है, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, थाईलैंड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, इंडोनेशिया जो मुसलमान मुल्क है उधर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। अब बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट टुडे इज द नीड ऑफ द डे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट ऑल्सो, देर दादा मुकदमात उनके पास बड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है तो दिन और हफ्ते लग जाते हैं और तमाम मुकदमा जो है सिविल और क्रिमिनल के जो ऑर्डिनरी लिटिगेट है वो सफर करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं द क्वेश्चन विच अराइजेस टू द माइंड एंड विच इज द बेसिक क्वेश्चन वेदर इट विल डिस्ट्रॉइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, and if it is not destroyed the independence of judiciary, constitution court is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the constitution. Magar agar ye hukumat e waqt, with due respect to the law minister, agar hukumat e waqt ye pehla draft ke baad unhone iske जब तक ये कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ 1973, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामेंट के पास नहीं आ सकता। पार्लियामेंट का सुप्रीम बॉडी एज फार एज लेजिस्लेशन इज कंसर्न, मगर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते कि इतना बड़ा, देखिए 18वीं तालीम भी आई, उसके अंदर वक्त लगा था, लोगों से सलाह और मशवरा लिया गया, मगर उसके अंदर क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर क्योंकि जुडिशरी के लोग ज्यादा नहीं थे वो चैलेंज हुआ और 19वीं तहरीर को प्रिंट को को प्रिंट को क्या क्या इंग्लिश का बोलते हैं को बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, वो 19वीं तहरीर आई और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की क्या कहते हैं जजेस की तादाद उसके अंदर ज्यादा हो गई। अब बात सारी है हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए, ये जो सारी तनकीद आई है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, हु आर द पीपल हु बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इज देयर एनी चेंज इन इट, हु विल बी द पर्संस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, ये किसी को खबर नहीं है। मैं सब लॉ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी आप अपने मसदे को फाइनल शेप दे दें और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनको आप दें या एक हकीम को चाहिए सदर साहब पढ़े
हम एक सदस्य मिलता है हम मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आर द स्टेक होल्डर्स इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेक होल्डर्स. इसलिए हमें चाहिए एक अच्छा प्रपोजल, एक अच्छी सोच जाया ना हो जाए इन द शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो कि 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियां नवाज शरीफ साहब ने और शहीद बेनजी भुट्टो साहब ने साइन किया था. इसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए. वो मुझे समझ नहीं आके अफगानी तहजीब के अंदर नहीं आया. अभी भी मैं समझता हूँ कि गुप्ता की और अवाम की बेटी भी जो होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाए उसकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट और क्या होगी, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्या क्या लॉ मिनिस्टर साहब से और अपने स्पेशली लॉ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेजेंट के लिए. लॉ मिनिस्टर साहब तो हुकूमत का हिस्सा है, इस वक्त हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, अक्सर बार काउंसिल के मेंबर भी हैं.